रहे हैं पूर्व आईपीएस भारती घोष बीजेपी में शामिल हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी में उन्हें शामिल करवाया। औपचारिक तौर से भारती घोष का क्लेम टू फेम अगर कहें तो वो ये है कि ममता सरकार की आलोचक रही हैं, वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात को खुलकर रखती नजर आती रही हैं और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अपने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ कल रात से ही सीबीआई बनाम पुलिस घमासान छिड़ा हुआ है और उसी बीच ममता बनर्जी एक क्लियर मैसेज देते हुए अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से पुलिस ऑफिशियल्स को सम्मानित करने के लिए पहुंची और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आप कोलकाता से देख पा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जो वेस्ट बंगाल की राजनीति की तस्वीरें साफ साफ दिखाती है। एक तरफ आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस अधिकारी जो ममता सरकार से नाराज नजर आई, उसकी आलोचना करती नजर आई, अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करते हुए, विवादित अधिकारियों का सम्मान, जिस तरह से कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है उसी बीच वो अपने तय प्लान के हिसाब से अपने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करती नजर आई, यानी कि वो क्लियर मैसेज दे रही हैं कि वो अपनी बात पर दृढ़ हैं और जो उनका तय शेड्यूल है उसी हिसाब से वो काम करती जा रही हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं भारती घोष जो कि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, अब वो अपने पोजीशन को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे थे जिस वजह से वो खुलकर सरकार की आलोचना करती नजर आई, ममता सरकार की आलोचना करती रही हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात को रखती रही हैं और अब उन्हें औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। और दूसरी तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों के सम्मान समारोह की है जो वेस्ट बंगाल में आज किया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश की निगाहें इस वक्त सीबीआई बनाम पुलिस वेस्ट बंगाल पर टिकी थी और इसी बीच वहां पर अपने तय प्लान के हिसाब से चीफ मिनिस्टर सम्मानित करती नजर आ रही हैं पुलिस अधिकारियों को। भारतीय जनता पार्टी में शामिल भारती हो गई हैं, आईपीएस अधिकारी हैं जो अब बीजेपी का हिस्सा बन गई हैं। भारती घोष आईपीएस, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, सरकार की आलोचना करती नजर आई हैं, उन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं जिन्हें वो बेबुनियाद बताती आईं और अब ममता सरकार की आलोचना करने के बाद अब ऑफिशियली उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। कहीं ना कहीं इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से की जाएगी, आम जनता कर सकती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो नहीं, कहीं इस रणनीति के तहत तो उन्हें शामिल नहीं किया गया। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर बीजेपी में ममता विरोधी आईपीएस शामिल कर ली गई हैं। और दूसरी तस्वीर, सीएम वेस्ट बंगाल अपने पुलिस अधिकारियों को सारे गहमा गहमी और कंट्रोवर्सीज के बावजूद अपने तय प्लान के हिसाब से वो अपने अधिकारियों को सम्मानित करती हुई नजर आ रही हैं। सुबह धरने पर बैठी हुई थी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ और अब वो मंच पर सम्मानित करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ हैं। दो तस्वीरें हैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को क्लियरली स्टेट करती हुई। एक तरफ आईपीएस अधिकारी जो ममता का विरोध करती थी, अब उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। और दूसरी तस्वीर, विवादित अधिकारियों को सम्मानित करती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी अपनी स्टेट में। कल से सीबीआई बनाम पुलिस वेस्ट बंगाल की जो जंग छिड़ी हुई थी उसी बीच अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से चीफ मिनिस्टर सुबह धरने पर बैठती हैं और अब वो अपने अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए पहुंचती हैं, यानी कि क्लियरली एक मैसेज देना चाह रही हैं वो कि वो अपने स्टैंड से डगमगा नहीं रही हैं, वो अपनी पुलिस के साथ खड़ी हैं।